बढ़ते आगे, जहां आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। पीएम मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने इन जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि देश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनका सर्वोच्च बलिदान भारत हमेशा याद करेगा। पुलवामा हमले पर देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस की विफलता बताया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, आज हम 39 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के चलते शहीद हो गए हैं। उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सभी 40 जवानों को, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके ट्वीट से लगातार विवाद जो है देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए एक सवाल खड़ा किया है। कहा है, जो पुलवामा में खुफिया विफलता के चलते हमारे जवान शहीद हुए थे, बड़ी खबर है लगातार। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। श्रद्धांजलि देने में भी तंज नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान सामने आया। कहा, ऐसा लगता है कि आईएसआई का व्यक्ति ट्वीट कर रहा हो। शहीदों के लिए इस तरह के बयान कांग्रेस की आदत है। दिल्ली में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया। भारत माता की प्राण पण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं, विवादित बयान दिया, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। साथ ही कहा कि ऐसे बयान देना कांग्रेस की आदत हो गई है। श्रद्धांजलि देने में भी तंज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। ऐसा लगता है कि आईएसआई का व्यक्ति ट्वीट कर रहा हो। बता दें, दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस की विफलता बताया है और इन इस ट्वीट के बाद लगातार सियासत भी गर्माती जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, दिग्विजय सिंह ने पुलवामा अटैक में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने इंटेलिजेंस की विफलता बताया, क्या कहेंगे आप? उनका फोन कट गया, लेकिन दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर है जहां लगातार सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट करने के बाद गृह मंत्री ने भी हमला बोला है। कहा कि ऐसा लगता है जैसे आईएसआई का व्यक्ति ट्वीट कर रहा हो। शहीदों के लिए इस तरह के बयान देना कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस से हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, दिग्विजय सिंह जी ने श्रद्धांजलि तो दी जवानों को, लेकिन उसमें भी कई तरह का सवाल खड़े कर दिए हैं, एक तरह से विफलता बता दिया है। ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है सर? देखिएगा, मौजूदा दौर जो इस देश में चल रहा है, वहां यदि प्रधानमंत्री जी यह पूछ लें कि कांग्रेसी नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं, तो वो राष्ट्रवाद हो गया। और यदि दिग्विजय सिंह जी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे दें, तो सारी भारतीय जनता पार्टी उन पर बरस पाती है और मानो उन्होंने राष्ट्रद्रोह का काम किया है। आज पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको नमन करते हुए यदि दिग्विजय सिंह की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो क्या वो दोष है? और यह भी पूछना कि उनका सैनिकों की शहादत का दोषी कौन है, यह भी क्या दोष है? और ये किसके दौर में होता है, आप ये बताइएगा। यदि पार्लियामेंट पर हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है,
कश्मीर विधानसभा पर हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, पुलवामा में हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, ये कारण क्या है? ये फेल्यूर नहीं तो और क्या है? और इस पर पूछना, प्रश्न चिन्ह लगाने का अपराध है। जी सर, आपसे लगातार सवाल लेती रहूंगी मैं। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आज बरसी है शहीदों की, 40 जवान पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। दिग्विजय सिंह जी ने श्रद्धांजलि तो दी, लेकिन इसे इंटेलिजेंस की विफलता बताया, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरे बड़े सम्मानी बड़े भाई के मिश्रा जी का बयान में सुन रहा था, उन्होंने इसको राष्ट्रवाद और तमाम तरीके से जोड़ा। मेरा कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के बयान को लेकर पहले कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो उन बयान से सहमत है या असहमत है, क्योंकि थोड़ी देर में जयराम रमेश जी का खंडन आ जाता है, राहुल गांधी जी किनारा कर लेते। हमने कश्मीर में भी देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सेना पर सवाल खड़े करे, कांग्रेस ने तुरंत किनारा कर लिया, हमारा उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं। जो कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी को गंभीरता से नहीं लेती, उनके बयानों को नहीं लेती, तो भाजपा क्यों लेगी, देश की जनता क्यों लेगी? उनका तो काम है बटाला इनकाउंटर पे, उनका बयान हमने सुना है, शहीदों की मौन, हेमंत करकरे की शहादत का, मोहन शर्मा जी की शहादत का मजाक उड़ाया उन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक पे सेना पे सवाल उठाते हैं, उनके तमाम विवादास्पद बयानों को हमने देखा, वो तो आतंकवादियों के आगे जी लगाते हैं, ओसामा जी और शांति दूत बताते हैं, जाकिर नाइक को, तो उनके इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। उनका काम है देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना, देश की सर्जिकल स्ट्राइक जो देश का गौरव है उस पर सवाल उठाना, उसके सबूत मांगना, तो इस तरह के मामले उठाते हैं। कांग्रेस को तो स्पष्ट करना चाहिए कि कब उनके बयान से खंडन कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर बाद भी कांग्रेस का जवाब आ जाएगा कि हम उनसे सहमत नहीं है, ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है। जी के मिश्रा जी, नरेंद्र सलूजा जी कह रहे हैं कि पहले तो बयान दिए जाते हैं और उसके बाद वो खुद खंडन कर देते हैं, और ऐसे बयानबाजी करना कांग्रेस की आदत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं सुन पाया हूं, क्योंकि वॉल्यूम और तकनीकी खराबी आपके इधर से आ रही है। मैं फिर यही दोहराना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की असफलता को और कम से कम हमारी सैनिकों की जोड़ते हुए यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो क्या वो राष्ट्रद्रोह है? क्या हम भी भारतीय जनता पार्टी की मानसिक गुलामी करें? अपनी असफलता को यदि कोई विपक्ष का नेता यदि सार्वजनिक करता है तो इन मूर्खों की पहुंच को उसको स्वीकार करना चाहिए, बनिस्बत उन पर अटैक करने के, यानी विपक्ष की आवाज को पूरी तरह बंद कर दिया जाए या हम लोगों के गले ही काट दिए जाए ना, यदि सरकार चाहती है तो, या तो हम उनकी हां में हां मिलाएं या प्रश्न करें। जी नरेंद्र सलूजा जी, के मिश्रा जी कह रहे हैं अगर सवाल पूछ भी लिया तो क्या परेशानी है, विपक्ष की आवाज दबा क्यों रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो कह रहे हैं विपक्ष पहले वो तो तय करे कि दिग्विजय सिंह जी को विपक्ष वो मानता है कि नहीं अपने साथ, उनके बयान से रोज क्यों किनारा कर लेता है, रोज क्यों उनको दूर कर देता है, पहले तय तो करे कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की लाइन है, फिर कांग्रेस पार्टी उस लाइन को जारी करे। अब कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी के बयानों के समर्थन में कहीं खड़ी नहीं होती, वो खुद कहती है उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, पहले कांग्रेस तय तो करे दिग्विजय सिंह जी को बयान को अधिकृत अपनी पार्टी का बयान मानती भी कि नहीं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जब दिग्विजय सिंह के बयानों से पार्टी ने किनारा किया, तो हम कैसे माने कांग्रेस का बयान है? जयराम रमेश जी अधिकृत तौर पर बोले, राहुल गांधी बोले, सोनिया जी बोले, प्रियंका जी बोले कि ये कांग्रेस पार्टी की अधिकृत लाइन है, क्योंकि सेना पे सवाल उठाना, सेना का मनोबल तोड़ना, सर्जिकल स्ट्राइक पे, पुलवामा हमले पे, देश को हमेशा विदेशों में शर्मसार करना, देश के गौरव पर सवाल उठाना, ये आदत बन चुकी है। तो पहले तय तो करें कि आप उनको अपनी पार्टी का अधिकृत बयान उनका मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो फिर बताएं हेमंत करकरे की शहादत पे सवाल उन्होंने उठाया, बटाला इनकाउंटर पर उन्होंने कहा, सोनिया जी रात भर रोई। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी अब गर्माती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।